गत्यागति का वर्णन है। नृतिर्यक संज्ञ पर्याप्त कर्म भू गर्भजे जनि सुराणां नारकाणां च सप्तम्याः स्यात्तिरिश्चितु। सुराणां जनि अर्थात देवों का जो जन्म है वो कहाँ होता है, तो यहाँ पर बता रहे हैं कि सभी प्रकार के देवों को अपन सामान्य रूप से ले लें तो नृतिर्यक संजनी पर्याप्तक कर्म भूमि गर्भज, एक साथ इतने सारे विशेषण बता दिए हैं कि इन्हीं में देवलोक जन्म ले सकते हैं। मनुष्य गति तिरंज गति, दो गतियां बताई, फिर सैनी असैनी में से सैनी ही बताया, असैनियों में जन्म नहीं होता, फिर पर्याप्त पर्याप्तक में पर्याप्तक ही बताया, फिर कर्म भूमि और भोग भूमि में कर्म भूमि ही बताया, और फिर जन्म की अपेक्षा जो उपाद समूर्छन और गर्भ जन्म है तो बोल दिया कि गर्भ जन्म ही होता है, इन्हीं में देवलोक जन्म ले सकते हैं अन्यत्र नहीं। और सप नारकाणा सप्तम्याह नारकाणा च, और सप्तमी पृथ्वी की जो के जो नारक होते हैं उनका स्यात् तिरिश्चितु, तिर्यंचों में जन्म होता है, तिर्यंच गति में ही जन्म लेते हैं। तीर्थेशाश्च रमांगाश्च संयता देश संयता तुर्यादि सप्तम्यांताभ्यश्चुता नू नारका क्रमात्। फिर ये सप्तम सतम पृथ्वी से आने वाले मनुष्य नहीं बनते, तिर्यंच बनते हैं, एक नियम हो गया। फिर कह रहे हैं तुर्य आदि, अभी चौथे नरक को आदि ले लेते हैं अपन, तो चौथे नरक को अगर आदि लें तो सबसे पहले चौथे नरक से निकलने वाले तीर्थेश नहीं बनते, तीर्थंकर नहीं बनते, क्रम कैसे लगेगा, चौथी पृथ्वी से निकले हुए नारक तीर्थंकर नहीं हो सकते, पंचम से निकले हुए नारक चरमांगश चरम शरीरी नहीं हो सकते, ठीक है, पंचम पृथ्वी से आकर के मनुष्य गति तो मिल सकती है, सकल संयम भी हो सकता है लेकिन मोक्ष नहीं हो सकता। छठी से निकले हुए नारक संयम ही नहीं होते, और सप्तम पृथ्वी से निकला हुआ नारक देश संयत नहीं हो सकता, ये बात है। अविरत सम्यक दृष्टि हो सकता है, तिलोय पंडित में एक मत है ना, षटखंड आगम में तो मना किया कि उसको सम्यक दर्शन ही नहीं हो सकता, दूसरी बार माना सप्तम पृथ्वी में एक बार गया फिर दूसरी बार फिर सप्तम पृथ्वी गया, अच्छा ऐसा, अच्छा, वो क्या क्षपित कर्मांश या कौन सा कोई संज्ञा है उनकी, ठीक ठीक। तो जो जीव सप्तम पृथ्वी से निकलकर मत से बना और मत से बनकर वापस सप्तम पृथ्वी गया और वहां से निकलकर वापस क्रूर तिर्यंच बना, तो क्रूर तिर्यंच बनने पर भी उसको सम्यक हो सकता है दूसरी बार निकलने वाले, ऐसा महर्षि बता।
लेकिन यहाँ पर एक नियम बताया है कि सप्तम पृथ्वी से निकला हुआ जीव देश संयत नहीं हो सकता। तो रादि सप्तम्यंताभ्यश च्युता नो नारक क्रमात्। नारक जो होते हैं वो वहां से च्युत होकर, अब तुर्य को अपन ले लें तो तीर्थेश के साथ जोड़ना, पंचम को ले लें तो चर्मांग के साथ जोड़ना, षष्ठ को ले लें तो संयत के साथ जोड़ना, यानी छठी पृथ्वी से निकलकर मुनि अवस्था नहीं हो सकती और सप्तम से निकलने वाले देश संयत नहीं हो सकते, सप्तम वाले मनुष्य नहीं होते ना। सप्तम में तो नियम बता दिया कि सप्तम पृथ्वी से निकलने पर तेरह इंच गति होती है। महावीर स्वामी का जीव सप्तम पृथ्वी से निकलकर सिंह बना था और सिंह बनकर के वापस प्रथम पृथ्वी गया था और प्रथम पृथ्वी से निकलकर फिर उसको सम्यक दर्शन की प्राप्ति हो गई थी। नारकोनन्तरन्नस्यात् चक्रेशः केशवो बलः शलाका पुरुषा नैव नृतिर्यग् भवनत्रयम्। फिर कह रहे हैं कि नारक जो होते हैं वो अपने आगामी भव में, यानी लगे हाथ जो भव उनको प्राप्त हो रहा है, उत्तरवर्ती भव कह लें, उसमें चक्रवर्ती नारायण और बलभद्र, ये जो तीन प्रकार के शलाका पुरुष हैं उनमें नहीं जा सकते। अच्छा, इनमें नहीं जा सकते, इन तीन में नारका और भवनत्रिक वाले शलाका पुरुष में। मनुष्य तिर्यंच और भवनत्रय वाले जीव जो होते हैं वे शलाका पुरुष नहीं बनते अनंतर भव में। मनुष्य अपने आगामी भव में शलाका पुरुष नहीं बन सकता। एक भव बाद देव जाकर के बन सकता है, लेकिन इससे इसके बाद वाले भव में नहीं बन सकता। तिर्यंच भी नहीं बन सकता, शलाका पुरुष नहीं बन सकता। तिर्यंच गति से निकला हुआ जीव मनुष्य बनकर तुरंत शलाका पुरुष नहीं बन जाएगा। उसी मतलब सकता है नहीं, वो एक अलग विषय है, वो तो अभी बताएंगे, अभी क्या सब वर्णन आने वाला है अभी। इसमें इसके अनुसार तो नहीं बन सकते, हाँ बिल्कुल नहीं। नरक से निकला हुआ जीव मनुष्य पर्याय में आकर चक्रवर्ती केशव और बलभद्र इन इन पदों को प्राप्त नहीं करता और मनुष्य पर्याय, तिर्यंच पर्याय और भवनत्रिक, ये तीन पर्याय वाले आगामी भव में शलाका पुरुष नहीं बनते। अर्थात मनुष्य अपने दूसरे भव में शलाका पुरुष नहीं बन सकता। तो फिर इसका अर्थ ये हुआ कि कोई भी मनुष्य सीधे मनुष्य बनकर तीर्थंकर पद प्राप्त नहीं कर सकता, ये सिद्धांत हो गया। विशेष बात है मनुष्य सम्यक दृष्टि मनुष्य और तिर्यंचों को देवायु का ही बंध होता है, मनुष्यायु की बंध विच्छित हो जाती है दूसरे गुण स्थान मनुष्य और तिर्यंचों की स्थिति
दूसरे गुण स्थान में बंधु विच्छित्ति हो जाती है, त्रिंच और मनुष्य दोनों के, दोनों को देवायु मनुष्यायु की बंधु विच्छित्ति दूसरे गुण स्थान में, पर गति की अपेक्षा से मार्गणा की अपेक्षा बात कर रहे, वो तो गुणस्थान की अपेक्षा, वो ओघ कथन था, ये आदेश कथन है। तो मनुष्य तिर्यंच और भवनत्रिक वाले आगामी भव में शलाका पुरुष हो ही नहीं सकते, एव लिखा नैव। फिर हाँ बिल्कुल पक्की बात, च्युतोन केशवोन्नुदिश च्युतोन केशवोन्नुदि शानुत्तर विमानतः संज्ञि पूर्णेषु जायन्ते आसहस्रारतश्च्युताः। अनुदिश और अनुत्तर विमानों से च्युत होने वाले देव केशव पद को प्राप्त नहीं करते, इसका अर्थ यह हुआ कि ग्रहवेग से आने वाले बन सकते हैं केशव, और असहस्रारतश्च्युताः देवाः संज्ञि पूर्णेषु जायन्ते, भवनत्रिक और सहस्रार देव कल्प तक के, बारहवें स्वर्ग तक के जितने देव हैं वे सब वहां से च्युत होकर सैनी और पर्याप्तक हो सकते हैं, सैनी और पर्याप्तक होते हैं, संजनी पूर्णेशु, पूर्णेशु यानी पर्याप्तेशु जायन्ते, जन्म प्राप्नु बनती। फिर कह रहे हैं बता रहे नागे कृष्ण भवन्त्यनन्तरं देवा ये आ ईशानतश्च्युताः अप्रतिष्ठित प्रत्येक स्थूल भू तोय पूर्णगाः। आ ईशानतश्च्युता देवाः, ये जो देव ईशान पर्यंत कल्प से च्युत हुए हैं, भवनत्रिक भवनवासी वानमविंतर ज्योतिष सौधर्म स्वर्ग और ईशान कल्प, यहां तक इन पांच स्थानों से च्युत होने वाले देव अप्रतिष्ठित प्रत्येक वनस्पति में जन्म ले सकते हैं, पेड़ वगैरह बन सकते हैं, दो सागर की आयु भोग करके इसमें आ जाते हैं। दो सागर किसको कहते हैं, और वो तीन पल्ल भोगने वाले नियम से देव बनते हैं, भोग भूमि वाले, और प्रत्येक वनस्पति में, वनस्पति प्रत्येक वनस्पति की उत्कृष्ट आयु 10,000 वर्ष, पर अभी यहाँ पर अवसर्पिणी काल है तो फिर इतनी आयु नहीं हो सकती, यहाँ हानि वृद्धि होती है ना मनुष्य तिर्यंचों की आयु आदि में, अवसर्पिणी में हानि होती है। तो अप्रतिष्ठित प्रत्येक और स्थूल, स्थूल का मतलब बादर वनस्पति होंगे, अप्रतिष्ठित प्रत्येक बादर वनस्पति होंगे, और फिर भूतोय पूर्णगाह, और स्थूल पृथ्वी, स्थूल जल कायिक जीवों में उत्पन्न हो सकते, वायु कायिक और अग्नि कायिक जीवों में देवगति से उत्पत्ति नहीं हो सकती, पंच स्थावरों में उत्पन्न न होकर तीन स्थावरों में देवलोग उत्पन्न होते हैं, लेकिन उसमें शर्त ये रखी पूर्ण का पर्याप्तक होंगे वो, स्थूल यानी बादर होंगे, और प्रत्येक नाम कर्म के उदय के साथ जन्म लेंगे, साधारण नाम कर्म वाले नहीं होंगे। फिर आगे के काव्य में कह रहे हैं तिर्यक्षु मर्त्य तिर्यंचस ते तेजो वायु वर्जिता नृष पंचेन्द्रिया पूर्णा नारकेश्व अमरेश्वपि। मर्त्य तिर्यंचस तिर्यक्षु, मनुष्य और तिर्यंच तिर्यंचों में उत्पन्न हो सकते हैं, दोनों मनुष्य से तिर्यंच हो सकता है और तिर्यंच से भी तिर्यंच हो सकते हैं जीव, लेकिन उसमें फिर एक नियम बता रहे हैं कि वो तेजस कायिक और वायु कायिक को छोड़कर अन्य तिर्यंचों में उत्पन्न होते हैं,
थोड़ा सा इसमें हमें ऐसा लग रहा है कि कुछ गड़बड़ हो गई, ये अर्थ कैसे बनेगा? अगर ऐसा अर्थ बनाएंगे तो फिर देव गति से तो तेजस का एक और वायु का एक बनना नहीं, नरक से निकलकर बनना नहीं है, और मनुष्य और तेरे अंशों से भी अगर मना कर दोगे तो फिर तेजस और वायु का एक तो कोई बन ही नहीं सकता, उसमें आगति समाप्त हो गई ना। तो ये अर्थ ऐसे नहीं लगाना, ये तेजो वायु वर्जिता नृषु, तेजस कायिक और वायु कायिक से वर्जित जो जीव हैं वे नृषु यानी मनुष्यों में उत्पन्न होते हैं, यानी मनुष्यों में केवल ये दो प्रकार के जीव उत्पन्न नहीं हो सकते, अग्नि का एक जीव और वायु का एक जीव मनुष्य पर्याय को प्राप्त नहीं कर सकते, ये अभिप्राय है इसका। पंडित लालाराम जी ने क्या किया, मनुष्य और तेरेंज मरकर अग्निकायिक और वायुकायिक जीवों को छोड़कर बाकी के तेरेंचों में उत्पन्न होती, गलत अर्थ है, और इसका उन्होंने अनुकरण कर दिया। माता जी ने क्या किया देखे, ये तो खास स्थल है देखने का, एक मिनट हम समझ नहीं पाए, थोड़ा हमें अपने आंखों से ही उसको पढ़ना होगा। कितना सीधा सरल अर्थ था, माता जी ने एकदम बढ़िया अर्थ किया। तेजो वायु वर्जिता मर्त्य तेरियंच, तेजस कायिक और वायु कायिक को छोड़कर जो मनुष्य और तेरेंच है वे तिरक्षु नृषु जायन्ते, ऊपर से आएगा, तेरेंचों में और मनुष्यों में जन्म ले लेते हैं। माने नहीं, फिर समस्या आ जाएगी, तेजस कायिक और वायु कायिक जीव को छोड़कर मनुष्य और तिरेंच में जन्म ले सकता है कोई भी जीव, तो तेजस कायिक और वायु कायिक जीव कहां जन्म लेंगे? तिरेंच गति के अलावा उनकी कोई अन्य गति है नहीं, तो फिर ये अर्थ भी नहीं बैठेंगे। सीधा श्लोक से अपन अर्थ लगाना, एकदम सीधा सीधा अर्थ है कि मर्त्य तिरंचाह तिरंच, ये तिरंच बहुवचन है, मनुष्य और तिरंच तिरक्षु जायन्ते, तिरंच बन सकते हैं, ठीक है। फिर ते वे ही मनुष्य और तिरंच तेजो वायु वर्जिता नृषु, वे ही तिरंच तेजस कायिक और वायु कायिक को छोड़कर मनुष्यों में उत्पन्न हो सकते हैं, और पंचेंद्रिया पूर्णा पर्याप्त पंचेंद्रिय जीव नारकेषु अमरेषु अपि जायन्ते, नारकों में और अमरों में देवों में उत्पन्न हो जाते हैं। इसमें सैनी असैनी का भेद नहीं किया, क्योंकि नारक और देवों में असैनी जीव भी जा सकते हैं, एकदम सीधा अर्थ हो गया। तो ये तो तीनों अर्थ गलत हो गए, यानी तीन प्रति है आचार्य सार की, तो तीनों के अर्थ जो है ना वो दूषित हो रहे हैं, चूक हो गई वो, मतलब उनने इस तरीके से विचार नहीं किया होगा ना कि फिर तेजस कायिक और अग्नि कायिक में आगति किसकी हो रही है, गति किसकी होगी, कहाँ होगी उनकी, वो कहाँ जाएंगे और उनमें कौन आएंगे, ये उनने विचार नहीं किया। क्योंकि इन अर्थों से ये निकलता है कि तेजस कायिक वायु कायिक जीव में ना तो कोई आ सकता है ना कोई वहां से निकल कर कहीं जा सकता है, इतनी भयंकर सजा हो गई उनको, पर ऐसा संभव ही नहीं है।
हो गया, ये तो अर्थ हो गया। अष्टवारा द्विवारांतम घर्मोर व्याधि श्वसंजनिनः सरीसृपा खगा सर्पा सिंहा कांता नरा चराः। घर्मोर व्याधिषु, घर्मा पृथ्वी आदिकों में, अर्थात पहली पृथ्वी को आदि लेकर के जीव अगर कर्म भूमि में आकर वापस वहां जाते हैं, कर्म भूमि में आकर वापस जाते हैं, तो प्रथम पृथ्वी में 8 बार जा सकते हैं। एक जीव प्रथम पृथ्वी गया, वहां से निकला, फिर प्रथम पृथ्वी गया, फिर वहां से निकला, ऐसे 8 बार जा सकता है गिनती में। आयु पूरी करके तो आएगा, तो आयु पूरी किए बिना तो किसी को कहीं जाने थोड़ी मिलता है, यहाँ से कोई परमिशन ही नहीं है। नहीं, आएगा जाएगा का अर्थ यही है, मरण करके ही तो आना जाना हो सकता है ना, आवागमन बिना मृत्यु के थोड़ी होता है। वो अभी और भी नहीं, कर्म भूमि का एक भाव बस, प्रथम पृथ्वी से निकला, कर्म भूमिज बना, फिर प्रथम पृथ्वी गया, फिर कर्म भूमिज बना, ऐसा क्रम बिल्कुल लगाना है। तो 8 कौन से भाव? नहीं नहीं, ऐसा कोई बिल्कुल नहीं है, ये लगातार की बात चल रही है, अंतराल रहित भव। और फिर दूसरी पृथ्वी से 7 भव, तीसरी से 6 भव, चौथी से निकला हुआ जीव 6 भव नहीं, 6 बार, बार शब्द बोलना था। फिर ऐसे एक एक कम करते जाओ, और सप्तम पृथ्वी से निकल करके कर्म भूमि में आकर 1 बार जा सकता है सप्तम पृथ्वी दोबारा, फिर कर्म भूमि में आकर वापस सप्तम पृथ्वी में नहीं जा पाएगा, नियम है। फिर असंजिन सरीसृपा खगा सर्पा सिंगा कांता नरा चराह, कौन से पृथ्वी में कौन जा सकते हैं? तो बोलते हैं घर्मा पृथ्वी में असंजनिनः, असैनी जीव वहां तक जा सकते हैं, घर्मा पृथ्वी तक, वो भी पहले ही बिल तक जाते हैं, पहले ही बिल तक, सीमन तक बिल तक जाते हैं। 90,000 से ऊपर की आयु ले सकते हैं क्या? नहीं, असैनी जीव उनकी उत्कृष्ट आयु हो सकती है। अच्छा अच्छा हमने थोड़ा सुनने में, रमान सागर महर्षि ने यह बताया था कि धवला की 7वीं पुस्तक में आया है कि 10,000 वर्ष की आयु असैनियों को प्राप्त होती, तो हमारी समझ में ऐसा आ गया कि 10,000 वर्ष की ही होती ही हमने अपनी तरफ से लगा ली, तो वो चुप हो गई हमसे। चंपापुरी में चर्चा हुई थी, तो इसका अर्थ ये हुआ कि असैनी जीवों की जो नरक आयु होती है उसकी अवधि 10,000 वर्ष जघन्य है, और पल्ले के असंख्यातवें भाग प्रमाण उत्कृष्ट आयु है, तो वो 3 बिल हो जाएंगे, प्रथम पृथ्वी के जो 30 लाख नरक होते हैं, 30 लाख में से 3 नरक असैनियों में हो जाएंगे। फिर दूसरी पृथ्वी तक कौन जा सकता है? तो सरीसृपाः, सरीसृपा का मतलब होता है जो सरक कर चलने वाले, जो छिपकली वगैरह जो जीव जंतु होते हैं, गुहेरा और ये सब जो रेप्टाइल्स, मगरमच्छ वगैरह, दूसरी पृथ्वी तक जा सकते हैं, जबकि कितने खतरनाक होते हैं वो मगरमच्छ वगैरह जो प्राणी होते हैं। फिर खगा, हाँ, पक्षी जो होते हैं, ये गिद्ध है, चील है, शिकरा है, गरुड़ है, ऐसे जो शिकारी पक्षी होते हैं, ये तीसरी पृथ्वी तक जा सकते हैं। सर्पाह, सांप जो है चौथी पृथ्वी तक जा सकते हैं। सिंहा, सिंह जो है 5वीं पृथ्वी तक जा सकते हैं।
और कांता स्त्रिया जो होती है वो छठी तक जा सकती है, और सप्तम पृथ्वी तक नर और अपचर मनुष्य और जलचर सैनी पंचेंद्रिय पर्याप्त तक तिरंज जा सकते हैं। अब इनने केवल मत्स्य न कह करके जलचर बताया, प्रधानतया तो मत्स्य ही है, महामत्स्य और तंडुल मत्स्य दोनों चले जाते हैं सप्तम पृथ्वी तक। हाँ वो तो बिना भाव के तो होना ही नहीं कुछ, बिना भाव के तो बाजार भी नहीं चलता। भौम भाव नयो पूर्णा असंजनी भोग भूमि जाह ताप सप्रभराश्चापि जायन्ते भावनत्रये। भावनत्रय इसमें भुवनत्रय पाठ दिया, माता जी ने भावनत्रय तीनों ने अलग अलग पाठ दिया, भावन दिया इनने इसमें, भुवन दिया और भवन, भवनत्रय होना चाहिए। सही बात है। देखो भौम भावनयो हो पूर्णो असंजनी भोग भूमि जाहा तापस प्रवराश्चापि जायन्ते। ऐसा लगाना होगा कि पर्याप्त जो असैनी है वह भौम भावनयो जायते, इतना अपन वाक्य पूर्ण कर लो। असैनी जीव पंचेंद्रिय पर्याप्तक हो तो फिर वो भौम यानी व्यंतरों में और भाव भावन यानी भवनवासियों में जा सकता है, क्योंकि दश वर्ष सहस्राणि प्रथमायान भवनेषु च व्यंतराणां च, तीनों की 10,000 वर्ष की आयु है तो असैनी जीव वहां तक जा सकता है, और 10,000 वर्ष की आयु चूंकि असैनी को ही प्राप्त होती है ऐसा नियम नहीं। दस हजार वर्ष की उम्र नहीं, अग्नि कुमार नहीं, तो व्यंतर और भवनवासियों में असैनी पर्याप्तक जीव उत्पन्न हो सकता है, यहां पर इतना ही अर्थ निकला है। फिर भोग भूमि जाह तापस प्रवराश्चापि भवनत्रये जायन्ते, अब ये बिल्कुल सही पाठ हो गया भवनत्रय, उसमें भवनत्रय है ना, बस ये एकदम सही हो गया, माता जी वाला पाठ शुद्ध है कि भवनत्रिक में भोग भूमि में जन्मे हुए जीव जिनको सम्यक प्राप्त नहीं हो सका वो भवनत्रिक में उत्पन्न होते हैं, और तापस प्रवरा तापस जो पंचाग्नि तप आदि करने वाले हैं तापस उनमें जो उत्कृष्ट हैं प्रवर हैं वो भी भवनत्रिक में उत्पन्न हो सकते हैं। सदृष्टि भोग भूजाता सौधर्म ईशान कल्पयो पर्याप्ता कर्म भू संजनी मानवा भोग भूमिशु। फिर कह रहे हैं कि जो भोग भूमि में जन्मे हुए सम्यक दृष्टि जीव वो सौधर्म और ईशान कल्प में ही उत्पन्न होते, वो भवनत्रिक में नहीं जाते, तो नियम है कि सम्यक दृष्टि जीव भवनत्रिक में जाते ही नहीं, तो सौधर्म और ईशान कल्प तक जा सकते हैं, उसके ऊपर वाले कल्पों में नहीं जा सकते भोग भूमि। तो भोग भूमि में लेश्याएं कौन सी होती है उसका कहीं विभाजन मिलता है? शुभ लेश्या तो नियम है, पर उसमें क्योंकि सौधर्म ईशान में जा रहे मतलब तत्प्रायोग्य पीत लेश्या के साथ आयु का बंध कर रहे हैं ये निश्चित हो गया, वहां जाने योग्य
बीत लेशा अनिवार्य है आयुबंध के काल में, तो कहीं ऐसा तो नहीं कि वही लेशा उनकी रहती हो हमेशा? ऐसी संभावना बन सकती है। फिर पर्याप्ता कर्म भू संजनी मानवा, पर्याप्तक कर्म भूमि के सैनी जीव और मानव, कर्म भूमि में उत्पन्न हुए सैनी जीव और कर्म भूमि में उत्पन्न हुए मनुष्य, पर्याप्तक हो तो भोग भूमिशु जायन्ते, वो भोग भूमि में जन्म ले सकते हैं। इनके अलावा तिरेंच और मनुष्यों के अलावा, कर्म भूमि के पर्याप्तक तिरेंच और मनुष्यों के अतिरिक्त कोई अन्य जीव भोग भूमियों में जन्म नहीं लेते। परिव्राट ब्रह्म कल्पांतम यात्युग्राचार वानपि आजीव सहस्रार कल्पांतम दर्शनोज्जित। परिव्राजक जो साधु हैं वो ब्रह्म कल्प पर्यंत याति जा सकते हैं। परिव्राजक साधु और उग्राचार वानपि आजीविक, उग्र आचरण से संपन्न आजीवक जो साधु होते हैं वो भी सहस्रार कल्पांतम, सहस्रार स्वर्ग तक के जा सकते हैं, उसके ऊपर नहीं जा सकते। अपिशब्द है, मतलब कितना भी उग्र आचरण कर ले वो 12वें स्वर्ग के ऊपर नहीं जा सकते आजीवक। नहीं ऐसा नहीं है, दर्शन उज्जित है, इसमें बोल रहे हैं कि सहस्रार कल्प तक के सम्यक दर्शन से रहित जो है वो जाते हैं, और उससे ऊपर नवग्रह तक तो मिथ्या दृष्टि भी जा सकती है। वो तो दौलत राम जी ने लिखा कि 12वें स्वर्ग के ऊपर जिन मत के बिना गति नहीं होती, ऐसा लिखा, तो यहाँ पर यही प्रकट हो रहा है। यान्त्यच्युतान्त मुत्कर्षात् तिर्यंचो मानवा अपि सम्यक दर्शन संपन्ना संयता देश संयता। उत्कर्षात अधिक से अधिक, तिर्यंचो मानवा अपि सम्यक दर्शन संपन्ना असंयता देश संयता, अधिक से अधिक सम्यक दर्शन से संपन्न तिर्यंच और मनुष्य जो देश संयत है अथवा संयत है, वे असंयत है, संयत नहीं, असंयत और देश संयत मनुष्य जो सम्यक्त से संपन्न है वे अधिकतम 16वें स्वर्ग तक जा सकते हैं। यान्त्यच्युतान्त मुत्कर्षात् तिर्यंचो मानवा अपि सम्यक दर्शन संपन्ना संयता देश संयता, सम्यक दर्शन से संपन्न असंयत और देश संयत तिर्यंच और मनुष्य भी अधिकतम 16वें स्वर्ग तक जा सकते हैं। मर्त्या संयत सदृष्टि देश व्रति कुदृष्टय यान त्यग्रग्रैवेयकान्तम् तेयान्ति सद्रव्य संयमात्। फिर जो मनुष्य असंयत सम्यक दृष्टि है अथवा देश संयत है अथवा मिथ्या दृष्टि है, वे भी उत्तम द्रव्य संयम के कारण अग्र ग्रहवेयक तक 9वें ग्रहवेयक तक चले जाते हैं। कुदृष्टि देशव्रति और असंयत सम्यक दृष्टि सभी के लिए कहती हैं, यानी मिथ्यात्व से लेकर पंचम गुणस्थान तक यदि द्रव्य संयम के धारी है, महाव्रत के धारी है, तो नवम ग्रहवेग तक जा सकते हैं। चत्वारि पंच सर्वाणि चत्वारि नरकादिषु पंचेन्द्रिये त्रसे सर्वाणि न्याद्यं त्वन्याक्ष काययोः।
नरकादिशु गतिशु, नरक आदि गतियों में क्रम से कितने गुण स्थान होते हैं, तो बता रहे हैं कि चत्वारी, नरक में चार। फिर नरक के बाद में तिरिंच गति है, तिरिंच गति में कितने हैं, पंच, पांच है। फिर मनुष्य गति आती है, मनुष्य गति में कितने हैं, सर्वाणि, सभी हैं। फिर देव गति आती है, तो देव गति में कितने हैं, फिर से चत्वारी बोले, चार गुण स्थान। पंचेंद्रिय त्रसे सर्वाणि, पंचेंद्रिय त्रस जीव की अपेक्षा सारे गुण स्थान घटित हो सकते हैं। अन्यांक्ष काययो, लेकिन अन्य जो हैं चतुरेंद्रिय आदि और काय यानी स्थावर काय, इनमें प्रथम गुण स्थान ही होता है। संज्ञाद्या क्षीण मोहांता सयोगांतश्च ते क्रमात् मोशो भय मनोवाक्षु मनोवाक्ष्वपरेष्वपि। अच्छा, अब काय के बाद योग की बारी आ रही। नहीं, ये तो सब हो गई थी मां। श्लोक क्रमांक 136 चल रहा है। तो सैनी जीवों को आदि लेकर क्षीण मोह पर्यंत और संयोग पर्यंत भी वे क्रम से मोश और उभय मनोवाक्षु, फिर मनोवाक्षु अपरेश्वपि, सैनी को आदि लेकर बारहवें गुण स्थान तक असत्य मनोयोग उभय मनोयोग, असत्य वचन योग उभय वचन योग के धारक होते हैं, तथा सैनी में आदि से तेरहवें गुण स्थान तक सत्य और अनुभय योग भी होते हैं, ऐसा लगा लेना। यानी चार योगों का विभाग किया उन्होंने, मनोयोग और वचन योग का। तो पहले से बारहवें तक असत्य और उभय, और पहले से तेरहवें तक सत्य और अनुभय योग लिया। तो इतना ही रखें अभी आज, 136 श्लोक पूरे हो गए। जय नम जय तुषासन।